आपको पता है पबजी वॉलेट की सबसे ज़्यादा रिचेस्ट अकाउंट। अब गाइस अगर मैं अकाउंट की बात कर रहा हूँ जिसमें काफी ज्यादा रिचेस्ट होगा, तो आप लोग के मन में यही बात आ रही होगी कि अच्छी गन की स्किन होगी, आउटफिट होंगी, या फिर उस प्लेयर ने काफी ज्यादा पैसे लगाए होंगे, 3 लाख, 5 लाख, या फिर 7 लाख, या फिर उससे ज्यादा 10 लाख। बट मैं ऐसे प्लेयर्स को नहीं लेने वाला, मैं बात करने वाला हूँ ऐसे प्लेयर्स की जिन्होंने ना आज तक 1 रुपए भी नहीं लगाया होगा। उनकी पूरी पूरी ना इन्वेंट्री एकदम से खाली होगी, ना कोई गन की स्किन, ना हुई कोई कार की स्किन, बट उनके पास ना सबसे बड़ी चीज होगी कि उनके आईडी में कुछ ऐसा मिस्टीरियस आउटफिट या फिर कुछ ऐसी चीज हो गई होगी उनके साथ कि वो इम्पॉसिबल है। और गाइस वो बहुत ही कम प्लेयर्स के साथ होगी, जिसके बाद उनके अकाउंट तो रेयर हो ही हो गया होगा, उनके अकाउंट का भी प्राइस बढ़ गया होगा। अगर प्राइस की बात करते तो वो 1 लाख से 2 लाख हो जाएगा। और गाइस आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहो, क्या पता ये मिस्टीरियस थिंग्स आपके अकाउंट में मिल जाए और आप लोग का अकाउंट रेयर हो जाए। टॉप नंबर 5 रिचेस्ट अकाउंट। अब गाइस आप लोगों को ना सामने एक आईडी दिख रही होगी जिसका नाम है ना पागल। और गाइस अगर आप लोग इसको सर्च करना चाहते हो तो करेक्टर आईडी भी दे रखी है, आप लोग सर्च करके देख सकते हो। और इस आईडी में मिस्टीरियस थिंग्स की बात करते हो ना, तो इसकी ये आउटफिट है, ये आउटफिट ना बहुत ही कम प्लेयर के पास पाई जाएगी। और सच में गाइस ये 99.9% प्लेयर के पास पाई जाती है, बाकी इसकी ना चांसेस बहुत कम है मिलने की, ये अक्सर बॉट के पास मिलेगी। और इस आईडी का प्राइस की बात करें तो ये 3000 की तो आराम से ही चली जाएगी। अब आप लोग कहोगे इतनी रेयर आउटफिट और इसके इतने कम दाम, क्योंकि गाइस मैं बता दूं कि ये आउटफिट ना आज के टाइम पे मार्केट में इसमें की डिमांड ही नहीं, मतलब कोई भी इस प्लेयर को ना आउटफिट को पहनना ही नहीं चाहता, क्योंकि इसके साथ ना एक टैग लग चुका है नूब का। अगर इस आउटफिट को कोई भी पहनता है ना तो सारे प्लेयर उसको नूब कहते हैं। और गाइस आप भी पहनते हो ना तो कोई भी मिस्टीरियस नहीं जानेगा, बट ये जानेगा कि एक नूब प्लेयर लॉबी में आ गया है। टॉप 4 रिचेस्ट अकाउंट। अब गाइस आप लोग ने ये सामने आईडी देख रहे होगा, अगर आप लोग इसको सर्च करना चाहते हो ना तो सिंपली से लिख देना पबजी लाइट, या फिर आप इसके करेक्टर आईडी के दौरान भी आप इसको सर्च कर सकते हो। और इस आईडी में सबसे मिस्टीरियस बात है इसकी आउटफिट। अब गाइस ये आउटफिट जो देख रहे हो ना पबजी वॉलेट में बहुत ही पहले समय पे आई थी और आज के ना विलुप्त के कदार पे, मतलब गाइस बहुत ही कम अकाउंट पे आपको ये पबजी लाइट वाली जो आउटफिट है देखने को मिलेगी। बट गाइस हाँ, ये जिसके अकाउंट में भी है ना गाइस काफी रेयर आउटफिट आज के टाइम पे बन गई, क्योंकि ये ना आउटफिट बहुत ही कम प्लेयर के पास पाई जाएगी। मतलब अगर तुम बात करते हो ना तो 99.9 प्लेयर ही होंगे जिनके पास ये आउटफिट आपको मिलेगी। और अगर इनकी मार्केट प्राइस की बात करें तो ये अकाउंट भी ना आपको 3000 रुपए में तो सेल हो ही जाएगा। अब आप लोग बोलोगे यार इतनी कम, क्योंकि गाइस बता दूं यार इन आउटफिट के ना मार्केट में कोई डिमांड नहीं और आज के टाइम पे तो कोई भी पहनना नहीं चाहता, इसलिए इनकी इतनी लो प्राइस दी जा रही है। टॉप 3 रिचेस्ट अकाउंट। अब गाइस आप लोग ना इस आईडी को देखो, इस आईडी में जो फ्रेम लगा ना वो सीजन 1 का है। और गाइस सबसे बड़ी बात कि इस आईडी में जब आप इंटर करोगे ना, इस आईडी में इस प्लेयर का हेयर स्टाइल देखो, मतलब हेयर स्टाइल तुम देख के ना हैरान हो जाओगे, क्योंकि ये हेयर स्टाइल ना बहुत ही कम प्लेयर के पास है। और गाइस अगर हम इस आईडी की बात करें ना कि तो इस आईडी में क्या क्या है, तो पहले तो हेयर स्टाइल है, और उसके साथ गाइस ये सीजन 1 का अकाउंट है, मतलब तुम समझ सकते हो सीजन 1 का अकाउंट। तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज है, पहली तो सीजन 1 का अकाउंट, दूसरा इसकी हेयर स्टाइल। तो अगर हम लोग इसकी मार्केट प्राइस में बात करते हैं कि आईडी कितने की सेल हो जाएगी, तो गाइस अगर हम लोग इसकी बात करते हैं ना तो ये आराम से आईडी आपकी 15 से 20 हज़ार रुपए में आराम से सेल हो जाएगी। बट हाँ, आपको यह बात तो याद रखनी पड़ेगी कि यह ना एक बेस्ट सेलर ही खरीद सकता, बाकी नॉर्मल पीपल कोई इस आईडी को खरीदना पसंद ही नहीं करेगा। टॉप 2 रिचेस्ट अकाउंट। अब गाइस आप लोग ना ये आईडी देखो, ओह सॉरी, इसके बगल वाली आईडी देखो जिस पे लिखा है हॉरन। और गाइस ये आईडी ना सीजन 1 की आईडी है। एंड गाइस इस आईडी में आप लोग जब भी इंटर करोगे ना, तो इसमें जो आउटफिट है ना, ये आउटफिट मेरे को खुद नहीं पता कि कब के टाइम पे आई है, बट आज के टाइम पे ना ये मास्टर ऑफ पीस बन चुकी है, क्योंकि ये इस आउटफिट की अगर बात करें ना तो ये सीजन 1 या 2 के टाइम पे आया था। और गाइस आप लोग को पता है कि सीजन 1 और 2 तो इंडिया पे ही नहीं आया था, मतलब लॉन्च ही नहीं हुआ था इंडिया पे, वो बाहर एक कंट्री में वीपन लगा खेलना पड़ता था, और उस टाइम पे तो शायद तक बहुत ही कम प्लेयर होंगे जिन्होंने सीजन 1 और 2 खेला है। बट जो भी कहो गाइस, इस प्लेयर ने ना सीजन 1 खेला था और उसमें शायद तक इसने इस आउटफिट को कलेक्ट किया, जिसके बाद आज के टाइम पे ना ये आउटफिट बहुत ही कम प्लेयर्स के पास है। और अगर इस आईडी की हम लोग बात करें ना, तो पहले तो कुछ चीज आप लोग को बता दूं कि ये तो पहले बात तो है गाइस ये आउटफिट रेयर है, और दूसरी ये आउटफिट के साथ साथ इस आईडी ना सीजन 1 की है। तो गाइस अगर इसकी रेट की बात करें तो गाइस ये आईडी ना 50,000 रुपए तक की सेल होगी। बट रुको, मुझे पता है कि आप लोग कहोगे कि इस आईडी को 50,000 की क्यों बेची जाएगी। अब आप लोग को बता दूं कि आप लोग की मनपसंद जो आउटफिट है ना वो रिडीम सेक्शंस में तो आ ही चुकी है। अगर आप लोग गोल्डन फ्रेगमेंट इकट्ठा करते हो तो आप आराम से कोई भी आउटफिट जो आपकी फेवरेट होगी ना उठा सकते हो। बट क्या आपको पता है, आप लोग ना आउटफिट तो खरीद सकते हो बट टाइम कोई भी नहीं खरीद सकता। और इसीलिए गाइस वो सीजन 1 या 2 पे आउटफिट आई थी, और आज के टाइम पे ना उसको तुम किसी तरीके से परचेज ही नहीं कर सकते। इसीलिए गाइस उन आईडी का ना और आउटफिट का रेट इतना
ज्यादा है, टॉप नंबर वन रिचेस्ट अकाउंट। अब गाइस टॉप नंबर वन पे मैंने रखा है, तो गाइस आप लोग तो समझ ही गए होंगे ये आउटफिट ना बहुत ही कम प्लेयर के पास होगी या फिर ना के बरोबर पबजी मोबाइल आइटम होगी। बट नहीं यार, इस बार मैंने ना इसको टॉप वन पे ऐसी आउटफिट को बताया ही नहीं है, क्योंकि जब क्या मतलब जब वो आपके पास आउटफिट है ही नहीं। बट डोंट वरी, मैंने ना दो आउटफिट बताए। जो पहली आउटफिट है ना वो विनर पास के रिडीम सेक्शन में आई थी, और गाइस आज के समय की बात करते हैं ना तो ये आउटफिट ना बिलुप्त की कगार में, मतलब तुमको कहीं देखने को ही नहीं मिलेगी आउटफिट। और उसी के साथ अगर हम लोग सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड वाली ना मेरे ही एक अकाउंट में थी गाइस, वो थी जोकर सेट। और जोकर सेट ना गाइस ये भी रिडीम सेक्शन में आया था और काफी अच्छा भी था, और आज के टाइम पे ना ये भी एकदम बिलुप्त की कगार में, मतलब तुमको किसी के भी अकाउंट में दिखेगा नहीं, बहुत ही कम दिखेगा बहुत ही रेयर अकाउंट्स में। और गाइस अगर मेरा पुराना अकाउंट बैन नहीं होता ना तो आज गाइस ये मेरी सिग्नेचर आउटफिट होती। बट खैर छोड़ो इन सब बातों को, और गाइस इन आउटफिट की बात करें ना तो आपका अकाउंट आराम से 15,000 रुपए में तो सेल हो जाएगा। अब आप लोग बोलोगे 15,000 में, तो आप लोग को ना एक कड़वी सच्चाई तो मैं बताना ही चाहूंगा कि आप लोग के पास कितनी भी मिस्टीरियस या फिर कितनी भी रेयर आउटफिट क्यों ना हो आपके आईडी पे, बट वो ना आज के टाइम पे कुछ भी वैल्यू नहीं दी जाती, क्योंकि आज ना हर कोई फैन है सिर्फ और सिर्फ एल्फ सेट, मम्मी सेट या फिर कोई अच्छे अच्छे जो न्यू आउटफिट आते हैं। क्योंकि अगर कोई भी प्लेयर को देखोगे ना वो पुरानी आउटफिट्स और रेयर आउटफिट्स तो पहनना ही नहीं चाहता, यहाँ तक कलेक्ट भी नहीं करना चाहता। तो आप लोग समझ ही सकते हो कि अभी ना क्रेज चल रहा है मार्केट में, या फिर अपने पबजी मोबाइल में कह सकते हो, पबजी मोबाइल की ऑडियंस को कह सकते हो, को पसंद है एल्फ सेट, मम्मी सेट और दूसरी कोई आउटफिट, बट उनको ना कोई भी पुरानी आउटफिट या फिर कोई रेयर आउटफिट पहनने में कोई इंटरेस्ट नहीं। बट गाइस हाँ, बीजीएमआई लाइट आने दो, बीजीएमआई लाइट आने के बाद ना शायद तक आपकी जो अकाउंट है ना कोई आपको ऐसा सेलर तो जरूर ही मिलेगा जो आपके अकाउंट के एक अच्छे दाम देगा। और हाँ, उसी के साथ अगर आपके पास कोई भी ऐसी आउटफिट्स हैं तो गाइस बिल्कुल यार इंस्टाग्राम पे जाके स्टोरी मेंशन जरूर करके बताना, क्योंकि ऐसी रेयर आउटफिट ना आप संभाल के रखना अगर आपके अकाउंट में है तो। खैर गाइस आप लोग ना कमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट आउटफिट का नाम बताना, और मुझे पता है कि अगर आप लोग फेवरेट आउटफिट की बात करते हो ना तो 99.9% नई जो आउटफिट्स आए थे उन वो आपकी फेवरेट होंगी, पुरानी और जो लास्ट रेयर आउटफिट बच गई होंगे उनमें से कोई भी किसी प्लेयर की आउटफिट होगी नहीं फेवरेट। तो गाइस खैर इन सब बातों को हटाते हैं, एंड गाइस अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब करके जाना, बाकी मिलते हैं ना वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।